के अंदर फिर हुआ प्रियंका और अंकित का झगड़ा। अर्चना ने आग में डाला घी। जी हाँ, क्या है ये पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वेल, बिग बॉस 16 के घर के अंदर एक बार फिर से प्रियंका और अंकित के बीच हो गई है बहस, और जहाँ आग में घी डालने का काम करती नजर आ रही है अर्चना गौतम। जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि प्रियंका, अंकित, सौंदर्य और अर्चना जो है वो गार्डन एरिया में एक साथ बैठे थे, जहाँ अंकित जो है वो प्रियंका के लिए चाय लेकर आते हैं। ऐसे में उन सभी लोगों के बीच बातचीत होती है। जी हाँ, यहाँ प्रियंका जो है वो अंकित को ये कहती हुई नजर आती है कि वो इतने दिनों में बस एक बार उनके लिए चाय लेकर आए, रोज वो उनके लिए लेकर आते। जी हाँ, और इसी बात को लेकर अर्चना जो है उस बात का मुद्दा उठाती हुई नजर आई। जी हाँ, दरअसल प्रियंका जो है वो अंकित के साथ मजाक कर रही थी, उन्हें छेड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रियंका जो है वो अंकित से कहती हुई नजर आई कि वो इस बात का मुद्दा क्यों बना रहे हैं। दरअसल दोनों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब अर्चना जो है वो कहती हुई नजर आई कि क्या हो गया, अगर अंकित सिर्फ आज लेकर आया है तो उसे सुना क्यों रही हो। जी हाँ, और इसी बात को लेकर अंकित जो है वो प्रियंका को टॉन्ट करते हुए नजर आए, और इसी बात को लेकर अंकित ने प्रियंका को टॉन्ट किया। अंकित ने कहा कि वो हमेशा सही होती है। जी हाँ, और इसी बात से प्रियंका को आ गया गुस्सा। प्रियंका ने कहा कि वो अंकित के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन इस बात का भी अर्चना ने मुद्दा बना दिया, और कोई भी घर के अंदर जो भी झगड़ा होता है उसमें सब लोग हमेशा प्रियंका को टारगेट करते हैं, और यहाँ पर भी प्रियंका जो है वो बुरी बन रही है। जी हाँ, प्रियंका अंकित को कहती हुई नजर आई कि हर मुद्दे में उन्हें ही सब लोग बुरा बना देते हैं, और वो तो अंकित के साथ बस मजाक कर रही। जी हाँ, जिसके बाद प्रियंका और अंकित में तूतू मैमे भी हो गई। प्रियंका अंकित को कहती हुई नजर आई कि घर के अंदर वो ही सही है और प्रियंका ही गलत है, जिसके बाद प्रियंका वहां से उठकर चली गई, और अर्चना जो है वो झगड़े में आग में घी डालने का काम करती हुई नजर आई। जहां अर्चना ने कहा कि बात तो कुछ भी नहीं थी, प्रियंका ने बेफालतू का झगड़ा किया है, बेफालतू का मुद्दा उठाया। जी हाँ, और अंकित गुप्ता जो है वो भी वहीं पर बैठे हुए थे, और वो भी अर्चना की सारी बातें सुन रहे थे। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।